अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील की और सबसे पहले बात जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। जयपुर के बिंदायका में लूट के बाद पीड़ित व्यापारी की बिगड़ी तबीयत, व्यापारी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चार दिन पहले बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण कर 25,000 की छीनी थी नकदी, मारपीट कर रास्ते में छोड़कर भाग गए थे बदमाश। जयपुर के बिंदायका पुलिस थाने के नवनियुक्त थानाधिकारी भजन लाल का ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर सिवार व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर देगड़ा, श्रीपाल मीणा, मुकेश देगड़ा मौजूद रहे। सांगनेर की मलपुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। फैक्ट्री से कपड़ा चुराने वाले आरोपी जितेंद्र महावर को गिरफ्तार किया गया। चुराए गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। एसीपी विनोद शर्मा के निर्देश पर थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने टीम गठित कर कार्रवाई की। अलवर में कठुमर के मसारी रोड पर पेयजल सप्लाई टेस्टिंग में पाइपलाइन का खुला जोड़, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। जल जीवन मिशन के तहत 3,43,00,000 की लागत से पानी की टंकी सहित बिछाई गई थी पाइपलाइन। पाइपलाइन डालते समय ही आमजन ने घटिया पाइप होने की आशंका जताई थी। जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए रीको एमडी शिव प्रकाश नकाते पहुंचे भिवाड़ी। जलभराव की समस्या के पीछे मुख्य कारण को जानने का प्रयास किया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी आरओ सहित रीको और बीड़ा के अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। सांगनेर सहित आसपास के गांवों में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश से खेतों में तैयार खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहनों की भी थमी रफ्तार। कोटपुतली केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंधक देशराज योगी ने सीडब्ल्यूसी का 68वां स्थापना दिवस मनाया। सभी डिपॉजिटर्स को गुलदस्ता भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान मौजूद सभी गणमान्य नागरिकों ने सीडब्ल्यूसी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सांगनेर में प्राइवेट स्कूलों के संचालकों और स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। अधिकारियों से मिलकर 21 बिंदुओं को मध्य रखकर प्राइवेट स्कूलों के निरीक्षण करने के खिलाफ जताया विरोध। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में गाड़ी में लगी आग, आगजनी में जिंदा जला व्यक्ति। मृतक की 26 वर्षीय गफ्फार के रूप में पहचान हुई है। सेक्टर 8 में सामुदायिक केंद्र की घटना। विद्याधर नगर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने के विरोध में धरना। जोरावर सिंह गेट के पास दिया धरना। सांगनेर के प्रतापनगर और जगतपुरा मंडल के में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सांसद रामचरण बोहरा और बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और चलिए अब देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। झुंझुनू में ग्रामीण प्रतिभाओं को संवारने और तलाशने का अनोखा प्रयास। 7 दोस्तों की टीम ग्रामीण प्रतिभा तलाश और करियर सेमिनार का आयोजन कर रही है। सेमिनार के जरिए स्कूली बच्चों को करियर संबंधित देते हैं जानकारी। 7 दोस्त हैं सरकारी शिक्षक। छुट्टी के दिन का सदुपयोग कर जगा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता। झुंझुनू के बीबासर गांव में मां की पुण्यतिथि पर बेटे विकेश कुलहरी ने पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया। साथ ही गौशाला में किया दान पुण्य। कहा, समाज हित में सभी को कार्य करना चाहिए। झुंझुनू में गुढ़ा गौरजी पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई है। 18 किलो 90 ग्राम गांजे के साथ युवक को पकड़ा है। पोसाना बस स्टैंड के पास पुलिस ने कार्रवाई की। गुढ़ा गौरजी थानाधिकारी राम मनोहर के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भाजपा की सूची जारी होने के बाद बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी को टिकट मिलने के बाद शहर के विवेकानंद सर्किल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने कहा, भाजपा एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में फलौदी से कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सचिव महेश व्यास पहुंचे। महेश व्यास के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का दल धौलपुर पहुंचा और यात्रा में शामिल हुआ। महेश व्यास ने बताया कि फलौदी से गया दल यात्रा की मुंबई में समाप्ति तक साथ रहेगा। रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पाली के सुमेरपुर में अचानक बदला मौसम। बादलों के तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। खेतों में पड़ी फसल के खराब होने की आशंका किसानों को सता रही है।
पाली रेंज आईजी ओम प्रकाश मेघवाल पहुंचे सुमेरपुर, सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। हेड कांस्टेबल ब्रज किशोर शर्मा के नेतृत्व में आईजी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मेघवाल ने सीओ कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस अधिकारियों को क्राइम पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जालौर में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को 20 साल का कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने किया है फैसला। सांचौर पुलिस थाने में 2021 में दर्ज हुई थी एफआईआर। विशिष्ट लोक अभियोजक मुमताज अली ने दी है जानकारी। नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। जिले के कई गांवों में हुई बरसात, एक दर्जन से ज्यादा गांव में हुई है ओलावृष्टि। जिले में सबसे ज्यादा छानी बड़ी गांव में 12 mm दर्ज की गई है बारिश। ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान हुआ है। अब देखेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। डीडवाना में पर्वतसर मकराना रेल सेवा रख रखाव के चलते एक महीने से बंद है। बंद रेल सेवा से यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे को भी प्रतिमाह लाखों का नुकसान हो रहा है। कई बार जनता मांग कर चुकी है। डीडवाना के मकराना में कालानाडा की डूंगरी रेंज की खान 22D पर चल रहे विवाद का मामला है। अपर जिला और सेशन कोर्ट ने खान से पत्थर निकालकर बेचने पर रोक लगा दी है। आदेश की प्रति जारी हुई है। लाडनू में निम्बी जोधा के पास पशु बाड़े में आग लगी। आगजनी में 9 बकरियों की मौत हो गई। बीच बचाव के दौरान एक महिला भी गंभीर रूप से झुलसी है। बिजली का तार टूटकर गिरने से हादसा हो गया। ब्यावर में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशाल शिशु नगरी मेले का आयोजन किया गया। मेले में विद्यालय के बच्चों की ओर से बनाई गई आकर्षक कलाकृतियां, राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। नागौर में तुलसी राम हत्याकांड के एक संदिग्ध की पुलिस को मिली है नार्को टेस्ट रिपोर्ट। शेष 2 संदिग्धों का नार्को टेस्ट करीब 15 दिन बाद होगा। एक संदिग्ध को अनफिट बताते हुए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने नहीं की है जांच। नार्को रिपोर्ट में कुछ खास नहीं मिलने के आसार हैं। ब्यावर में एसडी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। IQAC एवं ब्रजमोहन लाल शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय और विज्ञान भारती दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हुई आयोजित। विज्ञान भारती का परिचय देते हुए गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।